दोस्तों, आपने कई सारी वेबसाइट या ऐप्स में गूगल के द्वारा इस तरह से डायरेक्टली क्लिक किया होगा तो लॉगिन कर दिए होंगे आप वेबसाइट या ऐप में। तो आपने अभी तक कौन कौन से वेबसाइट या ऐप में गूगल के द्वारा लॉगिन किया होगा डायरेक्टली, ये आप कैसे देख सकते हैं? सिंपल है, गूगल में सर्च करना है माई अकाउंट गूगल, फिर इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी myaccount.google.com, फिर ऐसे खुल जाएगा, फिर डाटा एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में क्लिक कर देना है और फिर इस तरह से नीचे चलना है और यहाँ पे लिखा होगा थर्ड पार्टी ऐप्स एंड सर्विसेज, इसमें क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपने जिन जिन वेबसाइट या ऐप्स में लॉगिन किया होगा गूगल के द्वारा, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बैंड लैब में लॉगिन किया था गूगल के द्वारा, तो ये आ गया है। अब मैं चाहता हूँ इसको हटाना, तो हटाने के लिए हम डिलीट और कनेक्शन में क्लिक करेंगे, तो जो भी हमारे लॉगिन इन्फॉर्मेशन बैंड लैब में गूगल का होगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो बैंड लैब से भी रिमूव हो जाएगा, यानी कि कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता हमारे गूगल अकाउंट द्वारा बैंड लैब को। अपन इस पर क्लिक करते हैं, फिर लिखा डिलीट द कनेक्शन विद बैंड लैब, कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से अपन उसको हटा सकते हैं हमारे लॉगिन इन्फॉर्मेशन बैंड लैब से, गूगल का लॉगिन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एयरटेल है, एयरटेल में मैंने काफ़ी दिनों पहले लॉगिन किया होगा तो यहाँ पे दिखा रहा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब भी यदि जो ज़रूरी ना हो लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आप उसको हटा दीजिए गूगल के इस ऑप्शन से। बस इतने से बढ़ूँ था, धन्यवाद।